नमस्कार दोस्तों। तो एक टेस्ट हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं वो फिर चाहे आपका SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, इस तरह के वन डे एग्जाम जो भी आपके होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप तीन तरह के क्वेश्चन उसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इतने विस्तार से बताए जा रहे हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि वो आपके पास अगर कोई सुझाव है, मैंने सोचा है कि 5 से 6 बजे शाम को, 5 से 6 बजे डेली आपकी टेस्ट सीट डाल दी जाएगी, यानी कि आपको एक क्लास मिल जाएगी। अगर आपको लगता है ये आपके लिए परफेक्ट टाइम नहीं है, आपको अगर लगता है किसी और टाइम चाहिए तो आप सभी लोग नीचे बता सकते हैं, ठीक है? याद रखिए। और इतने आप लोग कम से कम, मैं कहता हूँ कि हिस्ट्री हो, पर चाहे आपकी जियोग्राफी हो, पर आपकी चाहे कंप्यूटर हो, किसी भी संबंधित क्लास हो, कोई भी विषय, तो मैं कहता हूँ इसमें 1000 से 1500 कम से कम क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए। तो मुझे लगता है अगर विस्तार से हम लोग 1000 से 1500 क्वेश्चन लगाते हैं तो कहने का मतलब है कि हम 3000 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 3000 तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके 1000 से 1500 क्वेश्चन, 1500 से के करीब क्वेश्चन सॉल्व करवा जाए, फिर चाहे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमी हो या फिर विज्ञान हो, फिर चाहे आपकी बायोलॉजी, समझ रहे हैं? तो ये आपका हिस्ट्री का दूसरा टेस्ट है। कौन सा? दूसरा टेस्ट है। पहला टेस्ट हम कल डाल चुके थे, आज ये आपका दूसरा है। और ये सभी टेस्ट एक आपकी प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, मॉक टेस्ट फॉर वन डे एग्जाम, यानी कि वन डे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इन्हें बनाया जा रहा है। आपका स्टेट PCS और प्रीलिम्स के लिए स्टेट PCS है, फिर चाहे आपका सिविल सर्विस है उसके लिए अलग से एक सुबह टेस्ट आता है, वो भी आपका 6 बजे के करीब आ जाता है टेस्ट, तो उसे भी आप लोग लगा सकते हैं। उसे वैसे भी आप लोग देखिए क्योंकि उसमें बहुत विस्तार से पढ़ाया जाता है, तो आपको और जो अधिक जानकारी मिलेगी। अगर उसे सॉल्व करते हैं तो मुझे लगता है आपके वन डे एग्जाम वैसे ही निकल जाएगा, ठीक? तो चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है इसमें दूसरे टेस्ट का, कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन सेकेंड को किसने हराया था? क्या है क्वेश्चन हमारा? पल्लव राजा महेंद्र वर्मन सेकेंड को किसने हराया था? विक्रमादित्य ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कालाशोक ने? कालाशोक ने, तो इसमें होगा पुलकेशिन द्वितीय। अगर आपको आते हैं ये सभी क्वेश्चन तो आप नीचे लिख सकते हैं, ठीक है? नीचे कमेंट में लिखते जाइएगा, ठीक है? आपको 2-4 सेकंड का टाइम मिल जाता है इतने में। पल्लव वंशी राजा महेंद्र वर्मन सेकेंड को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, इसे याद रखिए। पल्लव वंश चालुक्य राजाओं के दक्षिण में एक ब्राह्मण साम्राज्य था। महेंद्र वर्मन सेकेंड के पुत्र नरसिंह वर्मन सेकंड ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और यह इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हुई हो गई थी, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा, कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? कालिदास का नाम किस अभिलेख में है? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में, आय होल अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, हनुमकोंडा अभिलेख में? यह है आपका आय होल अभिलेख में। आय होल अभिलेख वतापी के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। वह एक जैन मतानुयायी था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक राज्य किया। इस अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा था। किसने? रवि कीर्ति ने। यह संस्कृत भाषा में था जिसमें कन्नड़ भाषा भी है, और इसमें कालिदास और भैरवी का भी जिक्र किया गया है। किसका? कालिदास कवि का और भैरवी कवि का, दोनों का। तो इसमें आपका बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम धर्मोपदेश में दर्शाया गया भाव है? अभय मुद्रा, त्याग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, धर्मचक मुद्रा? तो इसमें क्या होगा? डी होगा, धर्मचक मुद्रा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे धर्मचक प्रवर्तन कहते हैं हम लोग। इसमें धर्मचक मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया था। क्या? डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेवड़ वेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? ये भी आपका क्वेश्चन कई बार बन चुका है। सेवन बेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी आपकी चामुंडा राय ने, ठीक है?
ए ऑप्शन सही है। सेवर बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाई थी। गोमतेश्वर को बाहुबली भी कहते हैं। गोमतेश्वर को क्या कहते हैं? बाहुबली। जैन धर्म के अनुसार गोमतेश्वर ऋषभ देव के पुत्र थे। ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे और सेवर बेलगोला में उनकी मूर्ति 10वीं सदी में बनाई गई थी। कब? 10वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी? उज्जैनी, उज्जैन या उज्जैनी एक ही है, किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप सभी जानते हैं अवंती की। किसकी? अवंती की। यह आज के मालवा क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ? मालवा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप सभी जानते हैं गंधार की। तक्षशिला गंधार महाजनपद की राजधानी थी। यह शिक्षा व्यवसाय का एक उन्नत स्थान भी था, शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरपथ और दक्षिणपथ के बीच कौन सा नगर था? उत्तरपथ और दक्षिणपथ के बीच कौन सा नगर था? तो आप सभी जानते हैं, मुझे लगता है मथुरा। आप सभी इतना तो पढ़े लिखे हैं, यही सोचकर बताता रहता हूँ। मथुरा उत्तरपथ और दक्षिणापथ के बीच एक जंक्शन का कार्य करता है। यह सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद की। अगला क्वेश्चन है हमारा, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप पीछे भी बात कर चुका हूँ ना, इसी तरह से आपको याद रखना है सूरसेन। बी ऑप्शन सही है। मथुरा उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध नगर है अभी भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिच्छत। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत थी, जबकि दक्षिणी पंचाल की राजधानी कांपिल थी। दक्षिणी पंचाल की राजधानी क्या थी? कांपिल। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। इन ये सभी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं, वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए और लगाते रहिए, ठीक है, आराम से बैठकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आप सभी जानते हैं कुरु। ए, इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ वर्तमान दिल्ली शहर का पुराना नाम है। एक बात और आपको याद रखनी चाहिए, पता है मैं तो कहता हूँ कि आप लोग जितने अधिक से अधिक हो सके टेस्ट, मॉक टेस्ट लगाया करिएगा। इससे क्या होता है कि आपको बहुत हद तक क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में आप लोग पहुँच जाते हैं। क्योंकि आप देखिए, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, क्या रहेगा कि आपको जब क्वेश्चन ही बनाना नहीं आएगा, क्वेश्चन पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, किस तरह से पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न रह रहा है, क्या बदल रहा है, तो आप कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं कहता हूँ बुक से पढ़िए, लेकिन उससे संबंधित 1000 क्वेश्चंस, 2000 क्वेश्चंस, जितने अधिक से अधिक हो सके उतने क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। इसीलिए तो कहा जाता है मॉक टेस्ट दीजिए आप लोग अधिक से अधिक, तभी आप लोग स्कोर भी कर पाएंगे बेहतर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वतापी वादामी पर अधिकार कर लिया था? तो आप सभी जानते हैं नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन पल्लव वंशी राजा था। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और बादामी पर अधिकार कर लिया और राजधानी को 13 वर्षों तक अपने अधिकार में इसे रखा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस चालुक राजा ने बेंगी में राजधानी बनाई थी? किस चालुक राजा ने बेंगी में राजधानी बनाई थी? तो ये था आपका विष्णुवर्धन। कौन था? विष्णुवर्धन। जो विष्णुवर्धन है ये पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र था। उसने अपनी राजधानी बेंगी में बनाई। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार अगर हम बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय को पल्लववंशी राजा नरसिंह वर्मन ने हराया था और उसकी राजधानी पर अधिकार भी कर लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग, निम्नलिखित चालुक राजा में से किसने फारसी राजा खुसरू द्वितीय को एक राजदूत भेजा था?
ये है आपका पुलकेशिन द्वितीय। और याद रखिए खुसरो जो द्वितीय था इसने भी राजदूत के रूप में पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में एक भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बादामी के चालुक्य का राज्यकाल क्या था, यानी कि कब से कब तक इनका राज्यकाल रहा। ये आपके 543 ईस्वी से 757 ईस्वी तक जो बादामी के चालुक्य थे ये कर्नाटक राज्य में राज्य करते थे। कर्नाटक अभी जैसे कर्नाटक जानते हैं यही, इनकी राजधानी की बात करें तो वातापी थी। और इनका शासन कब से कब तक चला, 543 से 757 ईस्वी तक। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आप सभी को मालूम होना चाहिए, नरसिंह वर्मन सेकंड ने। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, कांची का प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया। कांची का प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया, महेंद्र वर्मन सेकंड ने। ये मंदिर जो विष्णु भगवान के लिए समर्पित है, इसमें 1000 स्तंभों पर टिका हुआ एक हॉल भी है। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन सेकंड ने। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किरातार्जुनीय की रचना किसने की, भैरवी ने। यह एक प्रसिद्ध नाटक है संस्कृत में। ठीक है, और इसकी रचना 7वीं सदी में भैरवी ने की थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की थी। इस तरह की रचनाएं भी एक सोच रहा हूँ कि पूरी क्लास ही एक आपका ले आऊँ इससे संबंधित, पूरी रचनाएं जो भी है आपकी उनसे भी एक क्वेश्चंस, मतलब क्लास उसमें भी 1000 के करीब क्वेश्चंस लगवा दूँ, क्योंकि आप देखते हैं आजकल इससे भी आपके क्वेश्चंस कई पूछे जा रहे हैं, तो देखते हैं आगे जो भी टाइम मिलेगा करवा दूंगा। ठीक है, दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की थी, तो ये थे दांडिन, दंडिन। ठीक है, क्या है, ए ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पल्लव राजा में से किसने प्रसिद्ध नाटक मतविलास प्रहसन लिखा था। तो ये था महेंद्र वर्मन फर्स्ट, कौन था, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ये आपका याद रखिए संस्कृत भाषा का, संस्कृत में लिखा हुआ नाटक है। आगे है हमारा क्वेश्चन, दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने और रचयिता किसके दरबारी कवि थे, जिसने रचना की वो कौन था और वो किसके दरबार में रहता था। ये आपको मिलेगा, दंडिन इसके रचनाकार थे और किसके दरबार में रहते थे, नंदी वर्मन सेकंड के। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कादंबरी किसने लिखी है, कादंबरी किसने लिखी है। ए लिखी है बाणभट्ट ने, बाणभट्ट ने। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगर बाणभट्टी की बात करूं तो ये हर्ष वर्धन के दरबारी कवि थे, और इसके अलावा इन्होंने हर्षचरित भी लिखी हुई है, याद रखिए इन 3 पॉइंटों को भी, इनसे भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था, हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था, इसका दूसरा नाम था शिलादित्य। ए ऑप्शन सही है। जो हर्षवर्धन है या शिलादित्य है, ये आपका वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश का राजा था, और उसने 606 से 647 ईस्वी तक राज्य किया। ठीक है, 606 से 647 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक कौन से हैं, हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक कौन से हैं। इनके द्वारा नागनाद भी लिखा गया है, रत्नावली भी लिखा गया है, प्रियदर्शी का भी लिखा गया है, यानी कि इसमें होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि सभी ये तीनों लिखे गए हैं इन्हीं के द्वारा।
ये जो हर्षवर्धन थे ये आपके बता भी चुका हूँ पीछे के वर्धन वंश के राजा थे, और जो प्रभाकर वर्धन थे इनके पुत्र थे। किसके? प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। इनकी रचनाओं को भी आप लोग अच्छे से याद रखिए, इनसे भी क्वेश्चंस बन सकता है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? है वेन सांग। कहाँ का था? चीन का। वेन सांग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय में भारत आया था। वो यहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था, और उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र फिर शिक्षक के रूप में कार्य भी किया है। वैसे हम लोग आपकी अशोक की, फिर चाहे आपका चाणक्य हो, फिर चाहे आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो या सिकंदर हो, इनके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से बायोग्राफी के रूप में कवर कर चुके हैं इनके जीवन परिचय को। मैं सोच रहा हूँ कि आपका गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी की भी बायोग्राफी कवर कर दूँ। चलिए, तो अगले आपका संडे मंडे को, या संडे या मंडे को बायोग्राफी मिल जाएगी आप लोगों को गौतम बुद्ध की, क्योंकि आप जानते हैं कि कई हमारी विदेश नीति में भी इसका मतलब आपको देखने को मिलेगा इनका योगदान। तो देखेंगे, बहुत विस्तार से हम लोग जानेंगे किस तरह से आपने देखा है सिद्धार्थ बौद्ध बन जाते हैं, पूरी कहानी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? हर्षवर्धन को किस राजा ने हराया था? तो आप जानिए, पुलकेशन द्वितीय ने। हर्षवर्धन ने वैसे तो समस्त भारत, उत्तरी भारत जो है इसे जीत लिया था। इसके बाद उसने क्या किया कि दक्षिण की ओर कूच किया, यानी कि दक्षिण की ओर गया। उसका चालुक्य सम्राट पुलकेशन द्वितीय से युद्ध हुआ, किंतु हर्ष इस युद्ध में पराजित हुआ। उसके हाथी और सेना को बहुत नुकसान भी हुआ इस युद्ध में। तो पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था? हर्षवर्धन के समय चीन का सम्राट कौन था? तो ये था आपका तेजोंग। ये आपकी 641 ईस्वी की बात कर रहा हूं। ठीक है, इस समय चीन का शासक था तेजोंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस मत के विचार के लिए हुई थी? हर्षवर्धन के समय कन्नौज सभा किस विचार के लिए हुई थी? महायान। या आपकी बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं महायान, हीनयान, तो ये महायान के लिए हुई थी। वैसे आप भी जानते होंगे कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महान महायान का मत अनुयायी थे, यानी कि महायान जो शाखा थी बौद्ध धर्म की इससे जुड़ा हुआ था। हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में कन्नौज में एक सभा करवाई गई। इसका उद्देश्य महायान शाखा का प्रचार करना था। हालांकि हर्षवर्धन एक सहिष्णु राजा सम्राट था, यानी कि सभी धर्मों को मानने वाला, हिंदू जैन बौद्ध सभी धर्मों को का आदर करता था। ऐसे ही तो सहिष्णु करते हैं, यानी कि सभी को साथ लेकर चले। अशोक को भी आप लोग सहिष्णु शासक कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागनद की रचना किसने की? पीछे हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। नागनद नांग नाथ की स्थापना किसने की? रचना ये है हर्षवर्धन। नांगनाद ये बौद्ध धर्म से काफी प्रसिद्ध भी है। ठीक है, जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है मेरा, आय होल अभिलेख किसने लिखा? आय होल अभिलेख किसने लिखा? वैसे भी पीछे बात कर चुका हूं, रवि कीर्ति। आप लोग अगर ध्यान से सुनते हैं तो मैं कहता हूँ कि कई तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की स्थिति में पहुँचेंगे। जब आप पेपर दे रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि सही थी ये बात। आय होल अभिलेख वतापी के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। वह एक जैन मतानुयायी था, यानी कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। उसने 610 से 642 ईस्वी तक राज्य किया। इस अभिलेख को रवि कीर्ति ने लिखा था। किसने? रवि कीर्ति ने। यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, और जिसमें कन्नड़ भाषा भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको कालिदास और भैरवी का जिक्र भी देखने को मिलेगा, यानी कि कालिदास और भैरवी के बारे में भी कुछ जानकारी मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? पुलकेशिन फर्स्ट ने। वतापी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन फर्स्ट ने की थी, और वतापी को अपनी राजधानी बनाया था।
चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? श्वेतांबर किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? स्थूल भद, स्थूल बाहु। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जैन धर्म दो भागों में बट गया था। एक श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, आज भी आप देखते हैं श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, उसे हम लोग श्वेतांबर कहते हैं। यह स्थूल बाहु के नेतृत्व में विकसित हुआ। किसके? स्थूल बाहु के। और दिगंबर जो थे ये वस्त्रहीन, यानी कि जो नागा बाबा आप देखते हैं एक तरह से वस्त्र बिना वस्त्रों के प्रति हैं जो जैन धर्म में, इन्हें हम लोग दिगंबर कहते थे। और एक भद्रबाहु के नेतृत्व में विकसित हुए। तो याद रखिए दिगंबर आपका भद्रबाहु और श्वेतांबर स्थल बाहु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? भद्रबाहु। बी ऑप्शन सही है। और इसमें आप लोग एक कहानी और सुनते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में यहीं चले गए थे, जैन धर्म की दीक्षा दी थी, यहीं उनका अंतिम समय रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने कराया? कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार किसने कराया? तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, या आपके मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आपने देखा कि बिंदुसार हुआ, उसके बाद आपने देखा है अशोक। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में यही समय, आपने एक नाम सुना होगा सेवण वेलगोला, यही बिताया था, यही इनकी जान गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक का पौत्र कौन था जिसने जैन धर्म स्वीकार किया था? अशोक एक महान सम्राट था, आप जानते हैं कलिंग युद्ध के बाद किस तरह से बदल चुके पूरी तरह से अशोक, आप समझ रहे हैं, अहिंसा की नीति अपना ली, और बाद में आप कहते हैं कि इसी कारण का इस साम्राज्य का पतन हुआ। क्योंकि आप जानते हैं एक शासक को कैसा होना चाहिए, यानी कि शासक जब भी राजा का आपके मन में ख्याल आता है तो एक शक्तिशाली मार काट करने वाला, तो कहते हैं जब ये अहिंसा अपना लिया, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, तो इसी कारण का विनाश हो गया एक तरह से। और अशोक के बाद जितने भी शासक हुए वो भी कमजोर ही हुए। तो कौन था ये इनका पोत? संप्रीति। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन इनके जो पोत थे ये जैन धर्म के अनुयायी बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पांच महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा? महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पांच महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जोड़ा? तो आप सभी जानिए ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में वैसे आपके पांच महाव्रत हैं, कौन से? अहिंसा यानी कि हिंसा ना करना, सत्य सत्य बोलना, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी कि धन का संग्रह ना करना। ठीक है, अगला है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है? दोनों ने जाति पिता का विरोध किया, बिल्कुल सही है। दोनों ने पुनर्जन्म सिद्धांत माना, ये भी सही है। दोनों ने अहिंसा और सत्य का प्रचार भी किया, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी तीनों आपके सही हैं। दोनों ने जाति पिता का विरोध किया, आप जानते हैं। दोनों ने पुनर्जन्म का सिद्धांत का भी माना। दोनों धर्मों ने सत्य का प्रचार भी किया। दोनों धर्मों ने अहिंसा का प्रचार भी किया, यानी कि अहिंसा की नीति पर चलने की बात की। ठीक है, तो इसमें डी होगा आपका। क्वेश्चन है हमारा अगला, हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षचरित की रचना किसने की? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट आप जानते हैं कि हर्षवर्धन के राजकवि थे, उन्होंने कादंबरी नामक नाटक की भी रचना की। ठीक है, और हर्षचरित की भी रचना की। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था पुष्यभूति, इसे आप लोग वर्धन वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्धन वंश। तो आप याद रखिए पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम क्या है? वर्धन वंश। इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हर्षवर्धन का बहनोई कौन था? हर्षवर्धन का बहनोई कौन था? तो ये था ग्रह वर्मन, इसकी बहन का नाम था राजश्री।
राज्य श्री। और ग्रह बर्मन की जो हत्या की थी किसने की थी? गौण राजा थे शशांक, इन्होंने की थी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन हमारा। अब देखिए क्वेश्चन ही बन गया, हर्षवर्धन के जीजा ग्रह बर्मन को किसने मारा था? आपको सभी को मालूम है, गौड़ राजा शशांक ने। किसने? गौड़ राजा शशांक ने। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे कौन थे? ऋषभ देव। इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखिए, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। इनका नाम आपको ऋग्वेद में भी देखने को मिलेगा, उनके माता पिता का नाम भागवत पुराण में भी आपको देखने को वर्णित वर्णन है इनका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर केवल यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये आपकी रिजुपालिका नदी थी। महावीर स्वामी को 498 ईसा पूर्व में यानी कि 42 वर्ष की उम्र में रिजुपालिका नदी के किनारे केवल प्राप्ति यानी कि ज्ञान प्राप्ति की हुई। और जैन धर्म में इसे हम लोग क्या कहते हैं? केवल सर्वोच्च, केवल कहते हैं सर्वोच्च ज्ञान को, केवल। ठीक है, एक बात और याद रखिए, इन लोगों के बारे मतलब बड़ा, आप लोग इनकी बायोग्राफी जब भी देखें, जब भी इनके बारे में पढ़ें, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों को। आप सोचिए कि मुझे लगता है कि आप अगर हम लोग इनके रास्तों पर ना चलें, जो हमारे आपके फिर चाहे श्री राम का हो या फिर किसी और का भी हो, ऐसे इस तरह के जो भी महान पुरुष हुए हैं जिन्हें भगवान मानने लगे हम लोग, तो कुछ समय में हम सोचिए कि हमारे समाज से पूरी तरह से इंसानियत मानवता ख़त्म हो जाएगी, और हमारा आप समझिए कि हमारे समाज का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अभी आप देखते हैं कि किस तरह से एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं, होड़ लगी हुई है, भाग रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहे हैं। कई लोग आप सोचिए कि 200 साल जीने के बाद भी मालूम नहीं चलता है कि जिए हैं, किस लिए जिए थे, किस लिए मर गए, समझ रहे हैं? तो इसमें आपका बी था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था इनका? वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंड ग्राम में। इनके बचपन का नाम बात करें तो वर्धमान था, इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। इनके पिताजी का नाम बताऊं तो सिद्धार्थ था, और माँ का नाम त्रिशला था। ठीक है, याद रखिए, ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से दो तीर्थकरों का उल्लेख है? ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से दो तीर्थों का आप लोग तीर्थकरों का उल्लेख देखते हैं? आप ऋषभ देव को भी देखेंगे और अरिष्ट नेमी को भी देखेंगे। ऋषभ देव ये जैन धर्म के दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋषभ देव जो पहले तीर्थकर थे और अरिष्ट नेमी जो 22वें तीर्थकर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है, जैन धर्म के अनुसार तीर्थकर महावीर का पहला शिष्य कौन था? जामली, जमाली भी कह देते हैं इसे कई जगह। जैन ग्रंथों की अगर हम माने तो महावीर स्वामी का पहला शिष्य जामली या जमाली था, इनके ये पुती के पति थे यानी कि इनका दामाद था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? यशोदा। कौन थी? यशोदा, यशोदा याद रखिए, ये संबीर नामक राजा की पुत्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? तो ये थे आपके जंतिक, वे जाति से क्षत्रिय थे। कैसे थे? क्षत्रिय। उनके जो पिता थे पहले छोटे एक छोटे से राज्य के राजा भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? पावापुरी में। इन्हें महावीर स्वामी को अंतिम तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे, ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुका है। महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थकर थे? 24वें।
या पूछ लेगा 24वीं जैन धर्म के तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी और अंतिम तीर्थकर थे। इन्हें 72 साल की उम्र में यानी कि 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में निर्माण यानी कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि इनका अंतिम जीवन यही है, इसे ही महापरिनिर्वाण बोल देते हैं, यानी कि मरने का समय। क्वेश्चन है हमारा अगला, पिथम जैन संगीति कहाँ हुई, पिथम जैन संगीति कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। इसमें जैन धर्म के पूर्ववर्ती ग्रंथों की जगह 12 अंगों की रचना भी की गई थी। इस संगति के अध्यक्ष की बात करें तो स्थलवत बाहु इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, वैसे आपका बहुत विस्तार से पढ़ चुका हूँ, फिर चाहे आपकी करण सामान्य ज्ञान बुक्स कवर की गई हो, फिर चाहे आपकी लूसेंट कवर की गई हो, मैं इतना कह सकता हूँ कि आप किरण सामान्य ज्ञान को कवर कर लेते हैं, तो आपका मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन छूटेगा, क्योंकि बहुत विस्तार में बताया जा रहा है आपका, बहुत विस्तार में पढ़ाया गया है। और आपको कुछ ज़्यादा ही विस्तार में पढ़ना है तो पूरा लूसेंट कवर की, सॉरी पूरी NCERT कवर की गई है, उन्हें भी देख सकते हैं आप। ठीक, द्वितीय जैन संगीति की कहाँ हुई थी, तो ए हुई थी आपकी वल्लभी में। कहाँ, वल्लभी में, ए ऑप्शन सही है। ए 512 ईस्वी में हुई थी, इसमें 12 अंग और उपांगों की रचना की गई थी। ठीक है, तो चलिए, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर विस्तार में। आप लोग पढ़ते रहिए और जो भी आपकी ज़रूरतें हो, जो भी आप कहिए, मैं हर संभव कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर तरह का मटेरियल उपलब्ध कराऊँ। वैसे आपका कंप्यूटर साइंस पूरा ख़त्म कर चुका हूँ, उनसे संबंधित मैं टेस्ट इतने लगवा चुका हूँ कि आप लोग अगर कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई क्वेश्चंस गलत होगा। आपका MPGK पूरा कवर कर चुका हूँ, उत्तर प्रदेश GK पूरा कवर कर चुका हूँ, लूसेंट कवर कर चुका हूँ, किरण सामान्य ज्ञान बुक्स कवर कर चुका हूँ, आप कई तरह से आपके साइंस इस तरह के बुक्स भी कवर कर चुका हूँ, आपकी NCERT कवर कर चुका हूँ, आपके IAS के पूरे कुछ सालों के आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम लोग क्वेश्चन पेपर लगा चुके हैं, PCS MPPSC बहुत कुछ आपको दे चुका हूँ, बस आपको पढ़ना है। ठीक, टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड भी करके PDF भी वहाँ से रख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में हम लोग टेस्ट में, और बता दीजिए आप लोगों को किस समय ये आपका टेस्ट चाहिए, किस टाइम आना चाहिए, सुबह या शाम को, किस टाइम और कौन कितने बजे। ठीक है।